अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन बीनिश का टिफ़िन। आज बीनिश के टिफ़िन में क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई चॉप्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्राई चॉप्स की रेसिपी। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट बता देती हूँ जो हम फ्राई चॉप्स में ऐड करेंगे, और ये रेसिपी मैं आपको टू स्टेप में बताऊँगी। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप है जो कि हम चॉप्स में मसाला पे मैरिनेट करेंगे। सेकेंड स्टेप में मैं आपको फ्राई का और कोटिंग का प्रोसेस बताऊँगी। चलिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ जो हम चॉप्स में लगाएंगे, और चॉप्स को पहले से हम कुक कर लेंगे उसका फर्स्ट स्टेप बताती हूँ मैं। यहाँ पर मैंने 1 kg मटन की चॉप्स लिए। यहाँ पर मैंने वाइट विनेगर लिया है 1 tablespoon, सिरका, वाइट सिरका। ऑनियन पाउडर लिया है मैंने 1 tablespoon, इसकी जगह आप ऑनियन पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 tablespoon टिक्का मसाला, ये होममेड टिक्का मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पाउडर लिया है 1 teaspoon अदरक पाउडर, और 1 teaspoon लिया है मैंने लहसुन पाउडर। यहाँ पर आप पेस्ट भी ले सकते हैं, मेरे पास पाउडर अवेलेबल था तो मैं पाउडर ऐड करूँगी इसमें। 1 teaspoon लेना है आपको, दोनों का, पेस्ट ले लें या पाउडर ले लें। 1 tablespoon मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 1/2 teaspoon मैंने जर्दे का कलर लिया है, 1 tablespoon मैंने चिकन पाउडर लिया है, 1 tablespoon मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि चिकन पाउडर में और टिक्का मसाला में ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद है, और हम जब इसकी कोटिंग करेंगे तो उसमें भी सॉल्ट ऐड करेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड नहीं कर रही। अगर आपको कम लगे कुक होने के बाद चॉप्स तो आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 का प्रोसेस। यहाँ पर मैंने एक बाउल में चॉप्स को कन्वर्ट कर दिया है। अब जितने भी ये सारे जो मैंने स्पाइसेस बताए हैं वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। ऑनियन पाउडर, यहाँ पर आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, वाइट विनेगर, टिक्का मसाला, अदरक लहसुन का पाउडर, यहाँ पर आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कुटी लाल मिर्च, जर्दे का कलर, लाल मिर्च पाउडर, ये लास्ट में हम ऐड कर देंगे चिकन पाउडर। अब इसको अच्छी तरह हम मैरिनेट करके रख देंगे। इसको तकरीबन हम 5 से 6 घंटे इसको रख देंगे मैरिनेट करने के लिए, ताकि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह जो है चॉप्स में एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए इसको रख देते हैं, हम इसको अच्छी तरह चॉप्स में लगा के इसको 4-5 घंटे के लिए हम मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। मैरिनेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। चॉप्स जो है मैरिनेट हो गई है, जो हमने 5 से 6 घंटे के लिए रखी थी, अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे। जो है चॉप्स जो है कुकर में गला रही हूँ, और मैंने 2 glass पानी ऐड कर दिया है। ये तकरीबन कुकर में 20 मिनट में गल जाएगी, क्योंकि ये मटन चॉप्स है तो जल्दी गल जाएगी। चलिए मैं इसको 20 मिनट के लिए रख देती हूँ गलने के लिए। फिर जब चॉप्स गल जाएगी तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी, जो कि हम इसको फ्राई का स्टेप होगा। कोटिंग करेंगे हम उसको और फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको रख देते हैं, फिर हम इसका सेकेंड स्टेप करेंगे। चॉप्स जो है गल गई है, मैंने इसको एक ट्रे में निकाल दिया है, ठंडी होने के लिए रख दिया था। चॉप जो है ठंडी हो गई है, अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। गरम गरम में कोटिंग नहीं कीजिएगा, थोड़ी ठंडी होने के बाद इसकी कोटिंग कीजिएगा। अब इसकी कोटिंग हम रेडी कर लेते हैं। अब मैं आपको इसके कोटिंग के जो है इन्ग्रीडियंट बता देती हूँ जो हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 cup कॉर्नफ्लोर, 1/2 cup मैदा, दोनों की इक्वल क्वान्टिटी लेनी है। काली मिर्च पाउडर 1 teaspoon, लहसुन पाउडर 1/2 teaspoon, आपको यहाँ पर पाउडर ही यूज़ करना है, पेस्ट नहीं यूज़ करना। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 teaspoon लिया है, 1 teaspoon सॉल्ट लिया है, और 1 teaspoon कुटी लाल मिर्च, और यहाँ पर मैंने तिल लिए हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप लेना चाहें, ऐड करना चाहें कोटिंग में, तो आप ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने तिल जो लिए हैं 1 टीस्पून लिए हैं। चलिए इसको एक बाउल में हम कोटिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल लेते हैं हम, इसमें ये कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे और मैदा। अब इसमें जितने भी ये सारे स्पाइसेस हैं, सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई है तिल समेत जितने भी स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस मैदे और कॉर्नफ्लोर में ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब जो है हम एक एक चॉप्स को जो है कोट करेंगे अच्छी तरह। बिल्कुल अच्छी तरह इसको कोट कर लेंगे। इसको अच्छी तरह कोट कर लिए। अब इस जो एक्सेस जो बैटर हो उसको हम झाड़ देंगे ताकि जो है ऑयल में जले नहीं। इस तरह से इसको हम सारी जो है चॉप्स को कोटिंग करते जाएंगे और रखते जाएंगे। चलिए मैं ये सारी जो है चॉप्स को कोट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाती हूँ। सारी जो चॉप्स है उसको कोटिंग कर लिए। यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। जब ऑयल गरम हो जाए तो हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है गरम हो गया है, अब इसमें हम चॉप्स डालते जाएंगे और उसको फ्राई। बिल्कुल तेज़ गरम नहीं होना चाहिए बिल्कुल ऑयल, वरना ये जो कोटिंग की है ये जल जाएगी। मटन चॉप्स जो है ऑलरेडी गली हुई है तो उसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चॉप्स को जो है गोल्डन कलर देना है और निकाल लेना है। इस तरह से हम ये सारी डालते जाएंगे। जितना आपके जो जो भी आपने कढ़ाई लिया है या पैन लिया है, जितना उसमें स्पेस हो उतनी ही आप उसमें फ्राई कीजिएगा। ओवरलोडेड नहीं कीजिएगा वरना वो कोटिंग जो है उतर जाएगी। डालते ही हमें इसको टर्न या हिलाना नहीं है। एक साइड से जब गोल्डन हो जाए तो फिर हमें टर्न करना है। स्टार्ट में अगर आप टर्न करना स्टार्ट कर देंगे तो सारी कोटिंग हट जाएगी। इसको एक साइड से गोल्डन होने दें, फिर इसको टर्न करें दूसरे साइड गोल्डन करने के लिए। चलिए इनको सारी को मैं चॉप्स को जो है डीप फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्राई मटन चॉप्स रेडी हैं। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी मटन चॉप्स फ्राई की पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और कॉमेंट्स करके बताएँ कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पर न्यू विज़िट किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और न्यू ज़बरदस्त यमी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।